नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच बातचीत बेनतीजा। राजद ने कांग्रेस को फैसला लेने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा क्षेत्रों के लिए 18 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज से शुरू होगा नामांकन पत्र भरने का काम। चुनाव आयोग ने होली के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान राजनेताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश। और पासपोर्ट की तर्ज पर अब 1 अप्रैल से डाक से मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। कल देर रात तक घटक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहयोगी दलों ने संभावित सीटों की सूची कांग्रेस को सौंप दी है और अंतिम फैसले के लिए पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि कांग्रेस इस सूची पर तय समय सीमा के भीतर अंतिम फैसला नहीं करती है तो कांग्रेस के लिए 8 सीटें छोड़कर सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे। इधर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि सीटों की संख्या को लेकर विवाद है, इसलिए घोषणा होने में देरी हो रही है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पर्चा भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 97 सीटों के लिए 18 अप्रैल को मतदान होना है। बिहार में इस चरण के तहत किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 26 मार्च है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 29 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने होली के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान राजनेताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। आयोग उन कार्यक्रमों पर विशेष रूप से नजर रख रहा है जहां राजनीतिक दल, नेता, पदाधिकारी या कार्यकर्ता की भूमिका होगी। आयोग ने खास तौर पर झुग्गी बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियों, बड़े होटलों और फार्म हाउस जैसी जगहों पर आयोजित होने वाले होली मिलन कार्यक्रमों पर खुफिया टीमों की तैनाती की है। होली के नाम पर अवैध शराब, ड्रग्स, पैसे, हथियार या किसी अन्य तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर आयोग की कड़ी नजर है। लोकसभा चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए आयकर विभाग ने एयर इंटेलिजेंस टीम का गठन किया है। पटना और गया हवाई अड्डे पर टीमों की तैनाती की गई है। वहीं आर्थिक रूप से संवेदनशील शहरों में जिला स्तरीय विजिलेंस के साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने निजी आवास में किसी दल या प्रत्याशी विशेष के प्रचार से संबंधित पोस्टर बैनर लगाने के लिए संबंधित उम्मीदवारों से लिखित अनुमति लेनी होगी। इस पर आने वाला खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। वहीं उम्मीदवार भी किसी निजी मकान में बिना मकान मालिक की अनुमति के बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। आयोग ने कहा है कि बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए 1 BSF के जवान पहुंच गए हैं। इन जवानों की प्रतिनियुक्ति गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई लोकसभा क्षेत्रों में की गई है। जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन पार्टी ने सिंबल देना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्णिया के निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा को सिंबल मिल गया है। वे आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। पार्टी संसदीय बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जमुई से चिराग पासवान उम्मीदवार होंगे, वहीं हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस को पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर और वैशाली से सांसद रमा सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक को बर्बर और हृदयहीन अपराध बताते हुए कहा है कि इसके लिए दोषियों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती है। एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा कि एसिड अटैक करने वालों के लिए कोई क्षमादान नहीं हो सकता है। पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराध से पीड़ित को जो आघात पहुंचता है उसकी भरपाई दोषियों को सजा देने या फिर किसी मुआवजे से नहीं की जा सकती है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने विश्वविद्यालयों से अपने क्षेत्र के दो गांवों को गोद लेकर उसे मॉडल गांव के रूप में विकसित करने को कहा है। श्री टंडन ने सभी कुलपतियों को आदेश दिया है कि वे अधिक से अधिक समय विश्वविद्यालय मुख्यालय में दें, क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों से निपटा जा सकता है। पासपोर्ट की तर्ज पर अब लोगों को 1 अप्रैल से डाक से ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगेगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से आवेदन में फर्जी पता देने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और लोगों को बार बार परिवहन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। राज्य में 30 जनवरी को हुई आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा रद्द कर दी गई है। श्रम संसाधन विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इससे पूर्व भी 31 जनवरी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब ये दोनों परीक्षाएं फिर से आयोजित की जायेंगी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में दिल्ली की साकेत स्थित विशेष पॉक्सो अदालत 25 मार्च को 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में लघु सिंचाई विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता अवधेश प्रसाद सिंह की मुजफ्फरपुर स्थित करोड़ों रुपए की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। पूर्व में भी उनकी कई संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। वर्ष 2008 में अवधेश प्रसाद सिंह के कई ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का पता चला था। नवादा जिले के हरदैया पंचायत के चोरडीहा जंगल में कोबरा जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। पुलिस अधीक्षक अभियान कुमार आलोक ने बताया कि मृत नक्सली की पहचान कारू अगेरी के रूप में की गई है। उसके पास से एक राइफल भी बरामद की गई है। होली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 22 मार्च को मुंबई से और वापसी में 23 मार्च को पटना से खुलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने दरभंगा, भागलपुर, खगड़िया और वैशाली जिले से लाखों रुपए मूल्य की शराब के साथ 17 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मकसूसपुर मोहल्ले में पुलिस ने अवैध लॉटरी छपाई प्रेस का उद्भेदन करते हुए 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। हेमन ट्रॉफी अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट में भागलपुर की टीम ने पूर्णिया को पराजित कर सुपर लीग मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। वहीं वेस्ट जोन के फाइनल मैच में सारण की टीम ने गोपालगंज को पराजित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान लिखता है माया अखिलेश ने कांग्रेस से पूरी तरह किनारा किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है महागठबंधन में सुलह के रास्ते बंद आज आर पार। प्रभात खबर ने लिखा है बातचीत बेनतीजा कांग्रेस को 24 घंटे में निर्णय लेने का अल्टीमेटम। दैनिक भास्कर लिखता है पहले दिन औरंगाबाद सीट से एक ने भरा पर्चा छुट्टियों के कारण 21 से 24 मार्च के बीच नहीं होगा नामांकन। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है मनोहर पर्रिकर पंचतत्व में विलीन। आज लिखता है भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच बातचीत बेनतीजा। राजद ने कांग्रेस को फैसला लेने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा क्षेत्रों के लिए 18 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज से शुरू होगा नामांकन पत्र भरने का काम। चुनाव आयोग ने होली के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान राजनेताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश। और पासपोर्ट की तर्ज पर अब 1 अप्रैल से डाक से मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।